तो ये देखें नाज़रीन, खाना पक के तैयार है और बहुत मज़े का लग रहा है। इसे चपातियों के साथ आप खाएं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको, ये कैसी रेसिपी लगी, आपने ट्राई की, कैसा लगा सब्ज़ी का सालन। तो इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ जाएं, आपको क्या करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है हमारी वीडियो को। इससे हमारी हौसला अफज़ाई भी होगी और हमें पता चलेगा क्या हमारी वीडियो उसको पसंद कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए कटे हुए आलू, देन हमें चाहिए कटी हुई गाजरें और देन मटर। मटर के मैंने दाने निकाल लिए। देन मसालों में मैंने डाला आधे से आधा चम्मच नमक, आधे आधा चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला। तो हमारे घर में रेड मिर्चें नहीं डाली जाती, उनकी जगह हम ग्रीन चिलीज ही यूज़ करते हैं। तो इस तरफ आ जाए, एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने कट कर लिया है, देन पांच हरी मिर्चें, पांच जुए लहसुन और थोड़ा सा अदरक लेके मैंने उसको पीस लिया है, और चार हमने टमाटर लिए हैं, रेड भी हो सकते हैं और जो नहीं थोड़े से मतलब उनमें कसर है अभी रेड होने में तो हम उनको भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सालन है हमारा बहुत न्यूट्रिटिव होने वाला है, क्योंकि हम इसमें मकई भी ऐड कर रहे हैं, हमने इनको बॉईल किया है और मिक्स सब्ज़ी में आलू मटर गाजरों के साथ हम मेस या मकई इन छलियों के दाने भी ऐड, तो लहसुन अदरक के बाद मैंने टमाटर इसमें ऐड किया और इसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए जो मैंने अलग किए थे। चलिए देखिए हमारा मसाला तैयार है, मसाला भुना गया है, आप देख सकते हैं कि टमाटर और सब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई गाजरें, कटी और धुली हुई गाजरें, कटे और धुले हुए आलू और कटे और धुले मटर के दाने। कटे धुले हुए मटर के दाने, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, वो थोड़ा सा ऐड करें क्योंकि गाजर वगैरह खुद ही पानी छोड़ देती है। तो हम इसकी आंच देखते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं और हम इसको अब ढक देंगे। नाज़रीन हम सालन को चेक कर रहे हैं, ये देखें ये है जी मकई, गाजर, मटर और आलू का सालन, मेरे ख्याल से ये तैयार हो चुका है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ ये हमें देखना है कि मकई जो है वो गली है कि नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आई एम श्योर भी गल गई है। नहीं मकई में टाइम है अभी, हम इसको फिर से ढक देते हैं, फिर से हम इसको ढक देंगे। आई थिंक सर थोड़ा पानी ऐड कर दो, तो ये देखें नाज़रीन खाना पक के तैयार है और बहुत मज़े का लग रहा है, इसे चपातियों के साथ आप खाएं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको, ये कैसी रेसिपी लगी, आपने ट्राई की, कैसा लगा।